ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है। और आज दिन संडे है, सबसे पहले जो नए मेरे चैनल को वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और खूब सारा कमेंट कीजिए, और अब जहाँ अपने फैमिली फ्रेंड को भी शेयर कीजिए मेरा वीडियो। तो आज संडे है और अब मैं अभी बेड पर से उठी हूँ और मैं कपड़ा डालने आई थी। ये कल का ही धोया हुआ कपड़ा है, तो हल्का हल्का भी भीगना हुआ, तो मैं छत पर डालने के लिए आई थी। तो आज मैं बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, बहुत हेल्दी। और तो आज मैं अभी ब्रेकफास्ट का भी सब तैयारी करूँगी, तो आज वो आप लोग भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी है। तो उसका उस ब्रेकफास्ट का नाम है कैबेज रोल। तो चलिए हम लोग अब जा रहे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि पता नहीं मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है कि नहीं जाना, मैं नहीं जानती हूँ, मैं पूछी नहीं हूँ। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाने चलते हैं। आज कैबेज रोल बनाने जा रही हूँ। तो मैं पत्ता गोभी का ऊपर वाला जो होता है वो ऐसे ऐसे मैं काट निकाल ली हूँ, उसका लेयर ऐसे पत्ता मुझे निकालना है। तो एक एक करके मैं यहाँ पर रख रही हूँ, बस टूटना नहीं चाहिए। और इसका बीच वाला मैं मोटा वाला निकाल ली हूँ, ये देख सकते हैं बीच वाला मोटा वाला मैं निकाल ली हूँ। तो आप जितना मतलब कि बड़े वाले मुझे चाहिए थे, ये देख सकते हैं बीच वाला सारा मैं लेयर निकाल ली हूँ, रख दी हूँ, ये देख सकते हैं सब मैं ऐसे रख दी हूँ। और ये छोटा वाला इसको मैं पूरे तरह से चॉप कर लूंगी ये। और ये दो प्याज मैं बड़े बड़े ली हूँ, ये देख सकते हैं दो प्याज मैं ली हूँ बड़े बड़े, इसको भी मुझे चॉप कर लेना है। और ये मैं लहसुन ली हूँ, ये इसको भी मैं चॉप कर लूंगी। और अदरक छोटा सा मैं अदरक ली उसको भी चॉप कर लूंगी। और दो मैं अब जितना स्पाइसी रखना चाहते हैं वो भी रख लूंगी। मैं तीन हरी मिर्च डालूंगी, ये सबको मुझे चॉप करना है। तो बेसन में अभी मुझे और कुछ लगेगा तो ये मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि सबसे लास्ट में ये काम है, मुझे बेसन का काम है। तो ये गाजर, तो मैं अभी गाजर थोड़ा देर पहले नहीं बताई थी आप लोग को, क्योंकि मेरे पास नहीं था। और अभी मेरे हस्बैंड गए मार्केट से ले आए, क्योंकि इसमें गाजर भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें मूली डाल सकते हैं और शिमला मिर्च डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ मार्केट में नीचे मेरे घर के नीचे मार्केट है, तो वहाँ मूली नहीं था, शिमला मिर्च भी खत्म हो गए तो वहाँ नहीं था, इसलिए मेरे हस्बैंड नहीं लाया। और ये पत्ता गोभी है, तो जो मैं लेयर निकाली थी तो उसका छोटा वाला जो अंदर का बचता है उसी का मैं ये चॉप की हूँ। ये प्याज, तो दो प्याज मैं चॉप की हूँ। इसमें है लहसुन, मिर्ची और ये क्या बोलते हैं अदरक को मैं छोटा छोटा पीस काट ली हूँ, ये देख सकते हैं। और ये है आधा कटोरा मटर, तो मटर भी इसमें ठंडा के दिन है तो मटर डाली तो और अच्छा लगता है। और ये मसाला जो इसमें लगेगा, तो ये नमक है 2 स्पून, ये मेरा खुद का मसाला है। तो अगर इसका रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये है आप पाव भाजी मसाला, और ये है हल्दी, और ये है चाट मसाला। तो सब मैं 2-2 स्पून ली हूँ, तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बॉईल करने के लिए रख दी हूँ, तो इसमें देख सकते हैं बस इसको गरम चाहिए, पूरा गरम चाहिए। तो इसमें जो ये पत्ता मैं ऐसे जो की थी, ये जो पत्ता ऐसे की थी, इसको कम से कम 5 सेकंड के लिए हम लोग को ऐसे ही इसको इसमें रखना है, ऐसे रख देना है। तो ये देख सकते हैं ऐसे मैं सारे पत्ते को रख दी हूँ। और ये इससे मैं हल्के हल्के करना है ताकि पत्ता टूटे नहीं सब। मैं हाई फ्लेम में कर रही हूं, मीडियम टू हाई आपको रखना है, तो मैं हाई फ्लेम में कर रही हूं उसको। तो इसको हमको कम से कम 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए मुझे इसको ऐसी ही रखना है ताकि सारा अच्छा से बॉईल हो जाए। बस मुझे हल्का बॉईल करना है, इसको पूरी तरह से बॉईल नहीं करना है।
हो चुका है। तो मैं पहले बोली कि 5 मिनट के लिए मुझे इसको बॉईल करना था, तो ये बॉईल हो चुका है। इसको पूरी तरह से नहीं करना था, सिर्फ हल्का। तो एक एक करके मैं यहाँ वापस रख दूंगी। तो इसका पानी छान कर ही इसको रखिए, ताकि पानी अच्छे से बहुत ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप एक बार इसको खाइएगा तो आप हमेशा सोचिएगा कि ये मैं खाऊं। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी भी है और बहुत अच्छा है। तो बस ध्यान रहे कि ये पत्ता टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे कि मैं बहुत संभल संभल के उठा रही हूँ। सकते हैं मेरे पत्ते कितने अच्छा से ये हो चुके हैं, हल्का हल्का बॉईल भी हो चुका है, हल्का हल्का। बस मुझे हल्के बॉईल करना था, ज्यादा ये नहीं। तो ये पत्ते हो चुके हैं, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ से यहाँ मैं इस कढ़ाई को इधर इस गैस पे कर दी हूँ। अब मैं इसमें, कढ़ाई गर्म हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। सरसों ऑयल हम लोग खाते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप जो ऑयल खाते हैं वो ऑयल यूज कर सकते हैं। तो ये मैं ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल पकने तक हम लोग को इंतजार करना, ऑयल में पूरी तरह से धुआं आना चाहिए। का सारे पत्ता ले लियो, देख सकते हैं। इसको भी मैं ऊपर सबसे लास्ट में इसे में डालूंगी। ये मेरे तेल पूरे तरह से पक चुके हैं, तो ये मैं मूली लहसुन मिर्ची जो काटी थी उसे मैं डाल दूंगी। और लो थोड़ा सा मैं फ्लेम थोड़ा मैं लो कर दूंगी, ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें प्याज काट प्याज डाल दूंगी, ये जो मैं चॉप किया हुआ प्याज है। ऐसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक इंतजार करूंगी। सकते हैं हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें ये पत्ता गोभी डाल दूंगी। ये मैं गाजर डाल दूंगी। इसे भी मैं डाल दूंगी ताकि सब अच्छे से गल जाए। मैं ढक दूंगी। बहुत हद तक गल गया है, तो अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। तो नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। तो मैं 2 स्पून ली थी। मसाला अब खुद से बनाई हूँ, ये पहले डालूंगी। इसके बाद पाव भाजी मसाला। तो मैं इसको चला दूंगी। अब मैं इसकी जो हल्दी है वो डालूंगी। बहुत लोग इसमें आमचूर पाउडर भी डालता है, तो मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं है, तो मैं ये चाट मसाला सब डालूंगी। ऐसे मुझे लो फ्लेम में मुझे इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। ये मेरे पूरी तरह से तैयार हो गई। थोड़ा सा और मैं बस ये जो धनिया पत्ता था इसे भी मैं डाल दूंगी। ये मेरे
मसाले पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, तो इसे मैं बंद कर दूंगी, इसे मैं बंद कर दूंगी, इसे मैं साइड में कर दूंगी। अब मुझे बेसन का काम है, बेसन है तो इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी, और नमक मैं थोड़ा ही सा लूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन नमक पहले से भी मैं ले चुकी हूँ। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, तो अब मैं इसमें पानी डाल के इसका घोल बनाऊंगी। इसका घोल मुझे ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना। ये घोल बन चुका है तो, और इस ये घोल में लंग्स नहीं होना चाहिए। इसको भर लेंगे और नहीं तो साइड में, और भरने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड कर, ऐसे, और टूटना नहीं चाहिए, देख सकते हैं, ऐसे रोल बनाना है ऐसे। इसमें मैं टूथपिक लगा दी हूँ, और आप बाद में टूथपिक निकाल लीजिएगा। तो ऐसे, और एक मैं आप जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं, तो एक मैं इस टाइप का बनाई हूँ। देखिए मेरा रोल, कैबेज रोल तैयार है। तो इसमें मैं टूथपिक लगाई हूँ, तो आप बाद में निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं कोटिंग कर दी हूँ। अब तेल भी मेरा पूरी तरह से गर्म हो चुका है, तो मैं इसे अब डाल दूंगी। आइए दूसरा वाला भी मैं इसी तरह का कोटिंग करना है। कोटिंग करने के बाद ऐसे मैं लो फ्लेम में कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। एकदम अच्छा से एकदम ये हो गया है, रोल बन गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं थोड़ा देर में आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा, क्रंची भी है एकदम। इसे मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा ठंडा जाने के बाद। कैबेज रोल, तो एक मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ बीच से। आप लोग भी आइए कैबेज रोल खाने के लिए, कैबेज रोल खाने के लिए। तो आप इसको चिली सॉस और टमाटो सॉस या हरी धनिया की पत्ता की जो चटनी होती है उसके साथ आप खा सकते हैं। तो आइए आप भी हम लोग के साथ। शावर ले चुकी है, मेरे सारे काम हो चुके हैं। अब मेरे बेडरूम में ही मैं ब्लैंकेट नहीं समेटी हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, क्योंकि आज संडे है, तो संडे को वो घर से ही कभी कभी ऑफिस का काम करते हैं, नहीं तो वो ज्यादातर संडे को वो आराम ही करना चाहते हैं। तो अब बाबू भी नहा लिए, सारे काम हो चुके हैं, बस अभी लंच करना बाकी है। तो हस्बैंड मेरे अभी गए हैं शावर लेने के लिए, तो संडे को लेट हो ही जाता है, वो संडे को आराम से सब काम करते हैं। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। Thank you.
लंच हो चुका है, अब शाम हो गई है, तो बाहर बहुत हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा आज मौसम और बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा आज ठंडा वेदर है। तो लंच करने लंच में मैं बनाई थी बिरयानी, बिरयानी थोड़ा सा गीला हो गया था पर बहुत अच्छा बना था ना बिरयानी, थोड़ा चावल मुझसे गीला हो गई थी तो टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी बस सब चीज़ ठीक था, बस बिरयानी थोड़ा सा गीला हो गई थी। और अभी शाम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मौसम वेदर बाहर का बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो ये मैं चाय पी रही हूँ, शाम की चाय, ये शाम की चाय। तो शाम में हम लोग ऐसे चाय नहीं पीते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सीधे रात में आते हैं, तो चाय मैं शाम को पीती नहीं हूँ इसलिए, क्योंकि अकेले पीने का मन नहीं करता है तो शाम में चाय नहीं पीती हूँ। तो आइए आप भी हम लोग के साथ गर्मा गर्म चाय पीने, इस ठंड के मौसम में चाय तो और अच्छा लगता है। और मैं चाय का बहुत जल्द मैं अपने स्टाइल में चाय का भी रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं कैसे चाय बनाती हूँ। चाय तो ऐसे बहुत तरीके से बनता है, तो एक दिन मैं दिखाऊंगी, अभी मेरे पास वो कप नहीं है मिट्टी वाला, एक दिन मैं दिखाऊंगी कि तंदूरी चाय कैसे बनता है। तो वो मैं अपने हस्बैंड को बोली हूँ लाने के लिए, तो मैं चाय का रेसिपी शेयर करूंगी आपसे। तो अब मैं आपसे नहीं बोलूंगी क्योंकि आप लोग तो ठंड में चाय पीने का मजा ही कुछ और। तो आप लोग का मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप बिरयानी का रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज मैं रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं आज बिरयानी की रेसिपी शेयर नहीं की। कल का वीडियो आप देखना ना भूले, कल का वीडियो ज़रूर देखें, कल का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बहुत बढ़िया एकदम ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए कल का वीडियो देखना ना भूले, कल का वीडियो ज़रूर देखें। ऐसा क्या रहेगा वीडियो में? वो कल के वीडियो में सरप्राइज रहेगा, वो आज ही मैं करती लेकिन आज मेरे हस्बैंड घर में है इसलिए मैं आज नहीं करूँगी, और ये सरप्राइज मेरे हस्बैंड के लिए ही है। वाह, तो भाई मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है कि क्या चीज का वो सरप्राइज है। तो कल का वीडियो जरूर देखें, कल का वीडियो, कल का ब्लॉग एकदम बहुत अच्छा होगा, जबरदस्त होगा, तो जरूर देखें। मुझे भी इंतजार रहेगा, सरप्राइज मेरे लिए है तो मुझे खास करके इंतजार रहेगा। कल ही पता चलेगा कि वो किस चीज के लिए है। अच्छा, हिंट कर दो मुझे। नहीं नहीं, तो कल ही पता चलेगा कि वो किस चीज के लिए तो है। मेरा कुछ है नहीं, नहीं आपका बर्थडे तो 15 अगस्त को है, बर्थडे वर्थडे कुछ नहीं है, ये मैं कल ही बताऊंगी कि ये क्या चीज के लिए वीडियो है। तो कल का वीडियो जरूर देखें, और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो और अभी तो मेरे कुछ और काम पड़े हुए हैं, अभी मुझे कपड़ा फोल्ड करना है, 2 दिन से कपड़ा सूखा नहीं था लेकिन आज सूख गया है, हवा में सूख गया। आजकल कपड़ा लगता है कि भींगा ही रहता है, ऐसा लगता है वो ठंड की वजह से।
तो लेकिन कपड़ा सूख गई है तो मुझे कपड़ा फोल्ड करना ये सब तो आज मैं देखती हूँ, आज करूँगी तो करूँगी नहीं तो कल करूँगी, क्योंकि इतना ठंडा मौसम, इतना वेदर बाहर ख़राब है, इतना हवा चल रही है कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। और लंच भी हैवी हो गई है, अब ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा था, बहुत हेल्दी था, तो मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, तो मैं वो साइन में आपको बोलते हैं आईडी लगा दूंगी। तो मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय बाय।